back to my YouTube channel. This is me, Jennifer. Guys, मुझे आज काफी हंसी आ रही है. मेरा इंट्रो भी नहीं ठीक से हो रहा है. दोबारा करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. दिस इज मी जेनिफर. सो वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो. मेरे ना मुंह से ऐसे फुर करके निकल रहा है. खैर आदत हो गई है ना यार बोलने की. खैर आज मैं आई हूँ न्यू वीडियो के साथ, एक नया दिन लेके. और सो आज मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो गया है और मैं इतना थक गई हूँ. आज स्कूल से आई हूँ और देखो व्लॉगिंग करने लगी हूँ, खाना वाना खा के. रोजे भी खत्म हो गए हैं. लेकिन है बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि राबिया के साथ प्रैंक करो, हिरापी के साथ प्रैंक करो, फातिमा साथ करो. मामा साथ तो कर लिए लेकिन अब राबिया साथ करो. तो भाई सब ने इतना सर खाया हुआ है कि भाई राबिया साथ प्रैंक करो. अब मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी वीडियो को, तो मैं क्यों ना राबिया के साथ प्रैंक आज कर ही लूँ. तो आज मैं करूंगी राबिया के साथ प्रैंक. लेकिन मेरे साथ जो शामिल होगा वीडियो में वो होंगी मेरी मम्मी. उनके साथ मैं शामिल होंगी, उनके साथ मैं पूरी मतलब डिस्कशन करूंगी कि कैसे उसको प्रैंक करना है. तो सोचा तो मैंने स्टोरी वगैरह यही है. मामा के साथ अभी वैसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये होएगा कि मैं ना सोची हूँ मामा के साथ थोड़ी सी हम लड़ाई वगैरह करें और राबिया को हम प्रैंक करें कि भाई राबिया मैं लड़ी हूँ मामा के साथ, कुछ करो. देखते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होता है. लेकिन इस बार हम लोग फोन जो है छुपाएंगे साइड पे, क्योंकि ऐसे पकड़ के उसको पता लग जाएगा. यार व्लॉगिंग के घर में रहती हूँ मैं, सबको पता लग जाएगा कि व्लॉगिंग टेक्निक है प्रैंक करी है लड़की. इसलिए मैं कैमरा कहीं पे छुपा दूंगी टीवी लॉन में. इसलिए मामा और मैं अपना सीन करते रहेंगे बिल्कुल एक ड्रामे की एक्टिंग की तरह. खैर अभी मामा पास जाते हैं, उनके पास जाके पूछते हैं कि कैसे हमने राबिया को प्रैंक करने. अभी वो यूनिवर्सिटी है, मैं भी स्कूल से अभी थोड़ी देर तक आई हूँ. अभी कोई 5 बजने वाले. और एक और बात भी यार आप लोगों को बतानी थी, मैंने ना जिम भी ज्वाइन कर ही लिया. याद है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं जिम मामा के लिए छुपके से मतलब कर रही हूँ. तो मैंने फाइनली कर लिया. आज बस जाना है, फॉर्म फिल करना है और बस करना है. हो सका तो इतू से दिखा दूंगा, लेकिन नहीं, वो मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी जिम का. एवं तुम लोगों को एक ही व्लॉग में सब कुछ दिखा दूँ, चला के नहीं लड़ानी ज्यादा. खैर अभी मामा के पास जाते हैं और देखते हैं क्या होता है. ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे मिली है मेरी मम्मी. हेलो क्यूटू मामू, कैसी हो? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक. आप यहाँ बैठी हो तो आपने सुन ही लिया होगा कि मैं किस प्रैंक की बात कर रही हूँ राबिया की. देख रही हूँ कि पता नहीं कौन सा प्लान किया प्रैंक करने का राबिया बेचारी के साथ. इतने लोगों ने कमेंट किया था कि प्रैंक करो राबिया के साथ प्रैंक करो. भाई मैंने कहा यार आज प्रैंक लोगों को करके ना खुशी दिला ही देते हैं. खैर मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि राबिया ही हमेशा प्रैंक करती है, व्हाई नॉट मी. लाइक मैं अब इस बार वीडियो में करूंगी प्रैंक उसके साथ. तो आपके साथ मैंने डिस्कस करना है कि कैसा प्रैंक उसके साथ करूं. वैसे मैं लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया कि हम लोग लड़ाई कर लेंगे और वो उस बेचारी देखती रहेगी कि क्या होगा. लेकिन मुझे बताओ वो टॉपिक कौन सा होगा जिसपे हम दोनों लड़ेंगे. टॉपिक क्या होगा जनाब, तुम मेरे साथ लड़ोगी? अरे मम, ओ गाइस मुझे याद आ गया. मम्मा ये तो प्रैंक होता है, मुझे याद आ गया हम टॉपिक क्या रखते हैं. आप सब कहते हो ना मैं दोस्तों घर बहुत जाती हूँ ठीक है. तो हम लोग ये टॉपिक रख सकते हैं कि मैं मामा के साथ लड़ूं और मैं उनको कहूं कि भाई मामा मुझे मेरी दोस्त के घर करना है स्लीप ओवर, और मामा मुझे कहे कि नहीं जनाब नहीं तुमने करना, और मैं को मुझे करना है, मामा नहीं करना. वो ऐसे ऐसे करके हम लड़ाई वगैरह करें और राबिया हमारी शक्ल देखे, देखते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि भाई ये तो मामा के साथ बदतमीजी करी है. मैं थोड़ी बदतमीजी भी मामा साथ करूंगी. मामा नाराज हो जाना प्रैंक वाली. बड़ी चलाक, पता है अकेली प्रैंक करूंगी तो पकड़ लेगी राबिया तो फौरन, और मुझे साथ इसलिए मिला रही है कि उसे फील ही ना हो. मामा ऐसी बात नहीं है. नहीं बात है, मैं मिली होंगी तो उसे तो लगेगा ही नहीं कि प्रैंक रियल समझेगी, और तुम अकेली करके दिखाओ उसके साथ वो समझ ले जाएगी. अकेले नहीं ना, आपको इसलिए तो ऐड कर रही हूँ ताकि उसको शक ना हो. भाई माइंड करना चाहिए, आइंस्टाइन की औलाद हूँ यार. टैलेंट मेरा यूज होना है. मम्मी कौन है? आइंस्टाइन. मम्मी भी आइंस्टाइन, बाबा भी आइंस्टाइन, मी भी आइंस्टाइन, छोटा आइंस्टाइन. मेरी एक्टिंग कहाँ तक कामयाब होती है यार. इतने लोगों ने बोला मेरी मम्मी बहुत कूल है, ठीक है. अभी उन्होंने एक्टिंग नहीं की वो अलग बात है, और ड्रामे में उनको आने का शौक भी नहीं है. वैसे किसी ने लेना तो मेरी मम्मी को हायर कर सकते हैं. जैनब मुझे एक्टिंग आती नहीं है, मैं तो पता नहीं क्या क्या गलत मलत बोल. आपने राबिया के साथ भी तो एक प्रैंक किया था, मेरे साथ बहनों के साथ आपने दो मिलकर आपने मुझे प्रैंक किया था. पता नहीं किसको प्रैंक किया था, मम्मा भी उसमें शामिल थी और आपको पता था. और नो स्पेसिंग की बारी भी एक्टिंग आपकी अच्छी थी. कभी कभी शामिल हो जाती हूँ, तुम तो ज्यादा ही सीरियस होने को कह रही हो. नहीं ना यार कुछ होता, तब हम दोनों ने लड़ना है, बात यहीं पे खत्म. मैंने कहना ओए मम्मा पार्टी चेंज कर ली, जैनब के साथ हो गई. यार ऐसा वैसा कुछ नहीं होता यार. यहाँ हम कैमरा रखेंगे, यहाँ हम एक्ट करेंगे. राबिया अभी यूनिवर्सिटी से नहीं आई, अभी हम पहले जिम जाएंगे. तो आपको नहीं दिखाऊंगा, बहुत चलाकू मैं. पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, वहाँ रखना आगे टेबल कर देना, पता ही नहीं चलेगा. और फ्लैश नहीं ऑन करूंगी क्योंकि राबिया इतनी चलाक है ना, उसकी ईगल की आई जाए कि उसको पता लग जाएगा. खैर बस ये कि मेरी हंसी ना निकले, मुझे हंसी निकले. आपकी हंसी कभी भी नहीं निकलेगी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मामा की हंसी निकलेगी नहीं. बस हम दोनों ने करना है प्रैंक. अब राबिया का वेट करते हैं आने का, अभी हम लोग चलते हैं जिम वगैरह. मुझे ना सीरियस भी तुम में बड़ा गुस्सा है, तुम दोस्तों की तरफ इतना स्लीप ओवर करती हो. कभी कभी मेरा दिल करता है कि तुम्हें मैं पकड़ूं और मारूं. सारा गुस्सा, रियल गुस्सा निकलेगा. और मैं राबिया को हेल्प के लिए बुलाऊंगी कि राबिया ये देखो ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती, पहले भी नहीं सुनती थी, अब तो मैं रियल तेरे पे गुस्सा. वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात. मम्मा ऐसे एक्टिंग करेंगी, थप्पड़ भी मार सकती. ओह माय गॉड,
वायलेंस हो रहा है यार इस वीडियो में। ओ माय गॉड, पता लगे यूट्यूब वाले वीडियो ही बैन कर दे के भाई अंदर वायलेंस हो रहा है। नहीं नहीं, अपना रियल गुस्सा निकालूंगी, बस डन हो गया, ये सीन होएगा। हाँ मारा नहीं लेकिन प्रैंक में मारा। मम्मा ने कभी नहीं मारा, याद है बचपन में आपने मुझे मारा, हैंगर लेके मेरे पीछे घूमती थी, बैग पे मैं अराउंड अराउंड घूमता था। पूरा बनाऊंगी तेरे बचपन पे कि तू बचपन में मेरे साथ करती क्या रही है। बाहर से आती थी कालू मलोचू बन के आती थी, धूप होती थी बाहर, भाई बच्चा होता है काला माला तो क्या ही जाता है। बताना मैं तुम्हारी सारी हरकतें खुद बताऊंगी, बार बता लें दो लोगों को। मम्मा बस तेरी इन हरकतों का सारी बचपन की जो जो इसकी हरकतें आप लोग सुन के ना खुद बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हो जाएंगे गाइस, आप लोग बेहोश होने के लिए रेडी। खैर मैं भी नहीं अभी बता रही हूँ, वो नेक्स्ट लोग आने वाले, अभी तो खैर हम लोग करेंगे राबिया का वेट, उसका आने का प्रैंक करेंगे, सब आपको बता दिए, सब कुछ आइडिया, मजा आ जाएगा, लेट्स गो। ओके गाइस, सो फाइनली कैमरा जो है ना वो सेट करने की बारी आ गई है, सही है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कर देती हूँ, मतलब अपने जो टेबल है ना इसके ऊपर मैंने बहुत सारा सामान रखा है, अब बस अल्लाह करे राबिया को पता ना चल, नहीं वैसे पता चलेगा यार, बहुत मैंने मतलब नुक्कड़ फिकर के ना जूम किया हुआ है इसको। गाइस मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, सही है, मैंने आप बिल्कुल छुपा दिया और मैंने इसको जूम कर दिया है, सही है। तो जूम से ये हो रहा है कि अब मैं भी ठीक आ रही हूँ, मामा भी ठीक आ रही हूँ, और कैमरा पता ही नहीं चल रहा। ऊपर से ऊपर इधर इधर इस साइड का ऊपर से जो कवर है ना फोन कवर वो भी ब्लैक है तो पता ही नहीं चलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। ये तो मैं भी नहीं पता कि क्या मम्मा स्लीपर सुन रही हूँ।
बस ठीक है ना, तो अपनी ऐसी शक्ल क्यों गधे जैसी बनाई हुई है? ये तो ना तुम्हारी बात करने की, मैंने जाना है, मैंने सिंपल बोला है। अब तो मैं भी क्या अलाउ करूँ जाने का? मामा जान जाने देना इसको, ये दोस्तों के साथ घूम घूम के तुम्हारी हरकतें हुई है, तुम्हारी ऐसी टोन है बात, वैसे बात करती है नॉर्मली घर पर। मुझे नहीं पता यार तुम लोग अजीबो फजूल में आ गए। बात सुनो, बात सुनो, कहीं जानना होता है ना आराम से बात। तुम्हें आराम से कब से बात कर रही हूँ, मम्मा से वही नहीं समझ रही है। तो तुम मेरे से ऐसे ही बात क्यों कर रही हो? क्या मतलब तुमसे आराम से बात करो ना, ये क्या तरीका है बात करने? मेरा यही तरीका है करने का, बात करनी है मेरा नहीं करो। क्या तुम्हारी पागल है, ऐसे बदतमीजी करते हैं किसी के साथ? यार मम्मा इसको तो डालो, तो मेरे पीछे पड़ गए हो। मैंने तुम्हें कहा कि जाना नहीं जाना, तो बस बैठ जाओ ना। मम्मा एक मैंने जाना है, एक मिनट आप इससे बात ही ना करेंगे, आप से स्टोर में बात क्यों? अब तुम्हारे टोन ठीक करो, मैं जाने भी देंगे। तुम्हें क्या वजह, मैं तुम्हारे से लड़ाई की है? तुम किस बदतमीजी क्यों कर रही हो जाना भाई किसी के साथ? मैंने तो जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओ तुम्हारी लैंग्वेज बदल रही है। मेरी लैंग्वेज क्या बदल रही है? लगा दो मुझे पे इल्जाम, तुम्हें सही सीखा है मैंने, समझ आई? मैंने कोई बात की है मम्मा के साथ? ना की हो या की हो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई बुरे तरीके से बात नहीं की। सब तुम अभी इधर पापा होते ना, तुम्हें यहीं से मार के बाहर फेंकना था उन्होंने। आज पापा भी नहीं है तो क्या और कुछ हो सकता है? नहीं है क्यों पढ़ने जाती हूँ? बड़ी अच्छी फील है पढ़ने जाती हो। एक मिनट पापा को कॉल करना, अब पापा को क्यों कॉल कर रही हो? पागल हो तुम्हारा ना ये, तुम्हारी मम्मा यार ये पापा को क्यों कॉल कर रही है? पापा को करेंगे तो मैं इस तरह भी समझ आएगी मम्मा, ये गलत बात है। इस तरह से उसका बिहेवियर देखिए आप, अपनी टोन चेक करो। तुमसे कोई इस तरह बात करे तुम्हें सही लगेगा? हां सही लगेगा, कोई बुरी टोन तो नहीं है ये। छोड़ो दोबारा मेरे फोन को हाथ पर लगा। पापा को कॉल क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी दोबारा मुझे हाथ पर लगाना, पीछे के बैठो। पापा को कॉल क्यों कर रही हो? आई सेड पीछे के बैठो। मम्मा आपको कॉल क्यों कर रही है? जी वियर्ड बिहेवियर कर रही हो। पापा को कॉल क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ पीछे को बैठो। नहीं बैठना, अब तो ना मैं जाके इलाज कराऊं कहीं पर। ज्यादा तुम शोगी ना बनो, समझ आई? पापा को कॉल करने की पड़ गई है। पहली बात मैं तुमसे बात करूँ, माँ आप भी जाए उठे हैं, मैं भी जाती हूँ, उसको यहीं पे छोड़ दे, ऐसे इससे हमने बात नहीं है, ठीक से बात करेंगे फिर इससे बात होगी। तुम लोग क्या पागल हो? अब रोना शुरू करते चलो। मैं कब रो रही हूँ, फजूल ना बनो। चलो क्या है जरा देखो, जब किसी से बात करो जरा, इतना ऊंची किसी से मैं तो थप्पड़ इतनी जोर का मारा क्यों है? तुम्हें मम्मा का वैसे पीछे क्यों किया? तो मेरी मर्जी, छोड़ो फोन। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, तुमने दोबारा फोन को आता है पीछे के बैठो। फोन छोड़ो, पापा को कॉल नहीं है। ये कैसे कर रहे हो? सीधी से मम्मा, मम्मा फजूल में मर्जी में से तो नहीं कर रही आपको बात करने की, ये सीखती हूं स्कूल में जाकर। जी यही सीखती हूं, समझ आई? छोड़ो फोन, फोन छोड़ो, ज्यादा सीधा गलत, इट्स माय फोन तो डोंट टच। छोड़ो मुझे, क्यों टच कर रही हो? पीछे के बैठो, यही बैठना। हां जैसे बैठे हो वैसे ही रहो, और मेरे फोन को हाथ ना लगाओ। क्यों लगाऊंगी? हेलो, क्या मम्मा उसके क्या बिहेवियर, पागल हो गई है ये? जाना बस कर, आपके साथ मैंने बदतमीजी की है, बेइज्जत कर रही है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये क्या बात है? क्यों, क्या मतलब क्यों? मैं तो किधर से एक लगा लिया, लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ, रबे लगा दो, रबे लगा दो, तमीज रबे लगा दो। मम्मा आपको क्या मसला है? रबे लगा दो, मैं परमिशन दे रही हूँ। छोड़ो मम्मा, यार पापा को कॉल करिए, फ्रेंड यही है। मुझे लगा इससे कोई ना कैसा था मेरा प्रैंक? मैंने प्रैंकस्टर के साथ पता कर दिया। मम्मा ने अच्छी एक्टिंग नहीं की, मम्मा ने इतनी बुरी एक्टिंग की। मम्मा ऐसे मम्मा ऐसे क्यों रिएक्ट करी? क्योंकि अगर तुम ऐसे बदतमीजी करो ना, मम्मा आगे से डायरेक्ट थप्पड़ लगा दी। तो तुम्हें लगता है कि मम्मा एक्टिंग में मुझे थप्पड़ लगाएंगे? मेरे साथ था, मेरे साथ नहीं था, मैं थप्पड़ क्यों लगाती? तुमने लगाना था। और मम्मा भी बीच में कह रही है क्या हो
मुझे लगा तुम जैनब हमारी बहन बिगड़ गई, मैंने कहा निकल गई हमारे हाथ से। भाई ऐसा नहीं होता, सही है मैं इधर ही हूँ, कहीं पर भी नहीं जा रहा, मैं प्रैंक कर रहा था, मैंने सोचा आज जरा घर के प्रैंकस्टर को जरा प्रैंक करते हैं हम लोग, व्हाई नॉट। बुद्धू बन गई है गाइस, आप पे बाद में देख रही हूँ कैमरा किधर देखा तो कैमरा वो नुकरी में छुपाया हुआ है। यार मैं नुकरी में जा रहा हूँ, ऊपर से कवर भी मेरा ब्लैक है तो नजर ही नहीं आ रहा, और मैंने फ्लैश भी नहीं ऑन की थी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, मैंने उसके अंदर फंसाया हुआ था। ठीक है, बहुत सक्सेसफुली मेरा मिशन कम्प्लीट हो गया। अच्छा लगा प्रैंक दोबारा? नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे इसका बदला मैं बहुत अच्छे से लूंगी। हाँ दिला दो गाइस, कमेंट करके बताओ ये प्रैंक कैसा था। ठीक है, और पता नहीं कैसा था, नॉर्मल सही था, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया जब राबिया पापा तक पहुंच गई थी। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताओ अब मैं नेक्स्ट किसके साथ प्रैंक करूँ। लेट्स गो।